गाइस तो सुबह के बज रहे हैं 3 और अभी सेहरी का वक्त हो रहा है, तो मैं कर रही हूँ सेहरी। इसके बाद मैं जाऊँगी नमाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अब मैं चली इफ्तार की तैयारी करने, मतलब मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करूँगी। तो अब चलते हैं मम्मी की हेल्प करने और इफ्तार की तैयारी करने। मैंने भी यहाँ पे एक बार ही ट्राई किया टमाटर का पकौड़ा बनाने का, तो या बेसन में मैंने इस तरह से टमाटर को लपेटा है और इसे हमने गरम तेल में डाल दिया है और इस तरह से हम सारे टमाटर के पकौड़े बनाएंगे। जो लेफ़्ट ओवर बेसन बच गया था उसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने इसमें प्याज कट किया और प्याज के पकौड़े भी बना लिए। और ये बन गए मेरे टमाटर और प्याज के पकौड़े, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है गाइज। अब ये ट्राई करना और बहुत इजी बेजी सा है बनाना, सो या। एंड यहाँ पे अप्पी जो थी वो समोसा बना रही थी। ये हमारे घर का चौधरी है गाइज, इसे हर जगह रहना है, हर एक चीज़ की जानकारी चाहिए, क्या बन रहा है, कौन आया, कहाँ गए, कहाँ से आए, बापरे। और इसे ये बिल्कुल ऑपोजिट है, इसे दूसरों के घर में ताक छाक करना है, इसे दूसरों के घर जाना है, इसे दूसरों के घर के बारे में पता लगना है। मस्तियाँ चल रही है गाइस, ये दिन भर ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इफ्तार हो चुका है और मैं इफ्तार के बाद इनके साथ थोड़ा इंटरटेन हो रही थी, टाइम पास कर रही थी। फिर हो चुका था टाइम नमाज तरावी का, तो मैं वो पढ़ने लगी थी, मैंने शूट नहीं किया उसके बाद क्योंकि मैं सो चुकी थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।